तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो आज आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे वीकली टेस्ट एग्जाम नहीं दिए हैं तो ये मत सोचिएगा हम इसमें क्या मिलेंगे। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही भी है क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि चंगेज खान के कार्य कौन से हैं। तो चंगेज खान के कार्य मंगोलों को संगठित करना भी है, चीनियों के शोषण से मुक्ति पाना भी है और पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापार की स्थापना करना भी है। यानी कि ये सभी आपका चंगेज खान के कार्य हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। तो यह आपका चंगेज खान के नेतृत्व में क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा। तो यह आपका लिखा था इगोर दे रेक्लविट्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेपिस प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था। तो स्टेपिस प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम यानी कि पहली बार चंगेज खान ने संगठित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया। तो चंगेज खान को कब शासक घोषित किया गया था, तो यह आपका 1206 ईस्वी में घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुनहरा गिरोह का गठन किया था। तो सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था, तो ये आपका जोशी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। तो चंगेज खान की विधि संहिता आज कहलाती थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोल चीन से क्या लाते थे। तो मंगोल चीन से कृषि उत्पाद भी लाते थे और लोहे के उपकरण भी लाते थे, यानी कि ए और बी दोनों लाते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों का आयवीकरण मध्य एशिया में किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपका स्टेपिज क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेपिज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1162 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1221 ईस्वी में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को कहाँ एकत्रित किया था। तो ये आपका धर्म ई बुखरा उत्सव मैदान में एकत्रित किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बुखरा उत्सव मैदान में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की माता का क्या नाम था। तो चंगेज खान की माता का नाम ओलुन इके था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ओलुन इके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आयवर शब्द का अर्थ है। तो आयवर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा घुमक्कड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था। तो जो आपका गजन खान है, इन्होंने अपने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गजन खान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो मंगोलिया आपका एशिया देश में, एशिया महादेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई तुमुन थी, इसमें कितने सैनिक होते थे। तो इसमें आपका 10,000 सैनिक होते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें आपका दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, पहली क्वेश्चन ये कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी, तो याद रखना है
तुमुन कहलाती थी, जिसमें कितना सेना होता था, तो 10,000 सैनिक होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000। तो यहाँ पे मैंने आपको 16 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, 16 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अब आपको अगला सप्ताह जो जिस भी विषय का है उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं सिलेबस देख लूँगा और कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा और उसका MCQ क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका अभी कुछ देर बाद यहाँ पे आपका हिस्ट्री के और भी VVI क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, अब आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 का रेगुलर वीडियो मिलेगा, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।